हेलो एंड वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, फाइनली बीएससी नर्सिंग के फोरम यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोगों के। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें आपने जो कमेंट किए थे उसका रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ के, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, कितनी पीस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार आप देख पा रहे होंगे एडमिशन नोटिफिकेशन बी एस नर्सिंग, एडमिशन प्रोस्पेक्टस बी एस नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन ये देखिए। ठीक है, ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपके सामने देखो वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग डेट अभी बहुत दूर तक है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, दिसंबर तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये डाउनलोड इस प्रकार से आप कर सकते हो, सारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पीडीएफ के तौर पे आ जाएगी। और ये है नोटिफिकेशन बीएससी नर्सिंग कोर्स का। सो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, 100 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ऑल इंडिया में नर्सिंग फॉरम की जानकारी दी जाती है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जिला हो आपका। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको अवेलेबल होगी गाइस। ठीक है, सो ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका भी जाना माना खूब नाम चलता है गाइस। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है दिख गया होगा वेबसाइट के द्वारा, आपको पता लग गया होगा NIMS.education, नेम्स की बात हम कर रहे हैं गाइस। सो आपके कमेंटों का रिप्लाई भी हम देंगे, बट इससे पहले पूरी जानकारी ले लो गाइस। नेम्स यानी कि निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जी हाँ बिल्कुल, कहाँ की है ये है गाइज आपके, ये देखिए स्टेट कौन सा है, यूनिवर्सिटी इस्टाब्लिश अंडर द स्टेट, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करने वाली है। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिसंबर तक मौका है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, 100 सीटों के ऊपर ये होने जा रहा है। ठीक है, उम्र आपके 17 वर्ष कम्प्लीट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, यहीं पर क्या ऑल इंडिया में भी यही क्राइटेरिया है कि 17 आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आप बीएस नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो, और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अप्लाई कैसे करना है ये यहाँ पर दिखा रखा है पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस, और ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको तैयारी के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे, पुराने पेपर भी मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो अवश्य कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लेना। मात्र यहाँ पर 700 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के तौर पे। ठीक है, और भी सूचना है, और यहाँ पर बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 20, फिजिक्स से 20, एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग से 20, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और MCQ आपका टाइप क्वेश्चन का टाइप रहने वाला है, 2 घंटे का ये पेपर है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, क्लियर। और भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेथड ऑफ सिलेक्शन वही है आपका रिटन एग्जाम के द्वारा। ठीक है, मेरिट बनाई जाएगी, तो यहाँ पर ये फीस का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लो, एडमिशन फीस मात्र यहाँ पर 300 रुपीज़ लगने वाली है, सॉरी 3000 लगने वाली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मात्र 1000 लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर फीस आप देख सकते हो, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, टोटल 40,000 आपका यहाँ पर लगने वाला है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में थोड़ा कम हो जाएगा, 36 में हो जाएगा। ठीक है, तो पैसे वगैरह तो यहाँ पर ठीक है, हाफ पेमेंट में आपका यहाँ पर हो रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो गाइज, हमने आपको बता दिया, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हर रोज़ कहीं ना कहीं पर फॉरम आ रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी से गुजारिश है, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वाले, ठीक है, उत्तराखंड वाले, झारखंड वाले, अलर्ट हो जाइए। जी हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ पर भी फॉर्म आने वाले हैं, अलर्ट होने का मतलब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही सप्ताह में आने वाले गाइज, 1 वीक के अंतर्गत यहाँ पर फॉर्म आने वाले, अलर्ट आपको रहना है। अब आपके कुछ इंक्वायरीज थी, कुछ सवाल थे, कुछ कमेंट थे, तो उनका रिप्लाई हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। सो गाइज, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके कमेंट, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा आप भी परेशान रहते होंगे। सो आपका रिप्लाई वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो पहला है दीपिका,
सर महाराष्ट्र में एनएम और जेएनएम का फॉरम निकल गए क्या और गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्या है? बिल्कुल अभी तक नहीं निकले आपके एनएम और जेएनएम के, ठीक है, वेट कीजिए वन वीक का, वन वीक के बाद यहाँ पर निकलने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखियो और बेल आइकन पर प्रेस करके रखना, ठीक है। जानकी सर, उड़ीसा में नर्सिंग के फॉरम एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? आपके उड़ीसा में भी आने वाले हैं 7-8 अक्टूबर, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा उड़ीसा वालों को। सुरेंद्र सर, राजस्थान में एनएम जीएनएम का फॉरम भरा जाएगा, 12वीं में 86 है तो बेड में को क्या रेगुलर? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बेड भी कर सकते क्या? आपके डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर जमा हो जाएंगे, ठीक है, जो आप एनएम जीएनएम करोगे, तो बाकी में आप फिर वहाँ क्या जमा कराओगे जहाँ बेड करोगे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। शिवांगी मौर्या सर, प्लीज़ एक फुल वीडियो यूपी वालों के लिए बना दीजिए प्लीज़। हमने बनाया तो था शिवांगी, हमारा जो दूसरा चैनल है एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल, वहाँ पर हमने पक्का बता दिया यूपी वालों के ऊपर, दूसरे चैनल पर जाके देख लेना। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एमकेएस इंस्टीट्यूट उस चैनल का नाम है जहाँ पर हर एक स्टेट की जानकारी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये जो कल का वीडियो था ये यूपी वालों के ऊपर है, जाके देख लेना, और ये बाकी नेट के ऊपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ये झारखंड के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको यूपी वालों के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। हमने बोला ना हर एक स्टेट के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, गुजरात दिल्ली के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, दूसरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम है एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल। ओके गाइज, तो उस चैनल को तो आप फॉलो कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक और सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पीआर चैनल सर, मुझे 12वीं में 78 है, क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एनएम जीएनएम के लिए सिलेक्शन होगा? देखिए वैसे तो इन्होंने स्टेट आपका महाराष्ट्र है, तो अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि कट ऑफ हर बार अलग अलग जाती है, कई बार 85 चली जाती है, तो कई बार 82 चली जाती है, कई बार 83 चली जाती है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, फॉरम अवश्य भर देना आते ही। दिनेश थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश। ममता थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ममता जी। मॉडर्न दिल्ली एम्स बीएसएनसी की कंप्लीट डिटेल दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल पर पक्का मिलेगी। कमल सर, एमपी का पीएनएसटी का एग्ज़ाम फॉरम कब भरेंगे? एमपी में आएंगे 3rd week of October में, क्योंकि अभी वहाँ पर काउंसलिंग चल रही है, अभी पीएनएसटी की काउंसलिंग होगी, एनएम की काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही फॉरम आएंगे। दीपक सागर सर, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज जेएनएम का एडमिशन प्रोसेस क्या है? हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर हमने आपको बता दिया था, जाके देख लेना, राम रतन जी, ठीक है। सर यूपी में जेएनएम में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या 12वीं के मेरिट पे? देखो पहले तो 12वीं के मेरिट पे होता था, बट अभी रूल चेंज हो सकता है। रंगोली सर, सीजी में बीएस नर्सिंग करने के लिए फीस कितना है? तो इसका सेपरेट वीडियो बन जाएगा सीजी के ऊपर दूसरे चैनल पे, ठीक है। बायोलॉजी सर, सपाई इटावा में जेएनएम के फॉरम कब आएंगे? हमने आपको बताया तो था दूसरे चैनल पर वीडियो, इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाया है, जाके देखो आप दूसरे चैनल पे, एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल पे। सर राजस्थान में जेएनएम की काउंसलिंग के फॉरम कब आएंगे? काउंसलिंग के अभी तो फॉरम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपका बीएस नर्सिंग का होगा, जेएनएम के एडमिशन फॉरम भी नहीं आए, तब काउंसलिंग कहाँ से आएगी, ठीक है। जगदीश सर, हम यूपी से है, अगर आरएचएस में फॉरम भरने के बाद एग्ज़ाम के लिए सेंटर राजस्थान में जाना पड़ेगा या फिर यूपी में? राजस्थान में जाना पड़ेगा, ठीक है। अनिमा सर, क्या उड़ीसा में बीएस नर्सिंग जेएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे? बिल्कुल, काफ़ी सारे कमेंट है आप लोगों के भी। तो सर एससी में गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबरों तक आ जाता है? तो बहुत अच्छा कमेंट है, बट डिपेंड करता है आपका स्टेट कौन सा है और ईयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस साल कितने स्टूडेंटों ने हाईएस्ट मार्किंग ली है। संजय मौर्या सर, एमपी में कब आएंगे? 3rd week of October।
सर राजस्थान में एससी कैटेगरी वालों के लिए कितने नंबर चाहिए? 55 एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएस नर्सिंग में, ठीक है, रेणुका। सर मुझे 12वीं में 85 है, क्या मुझे जेएनएम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज? अच्छी परसेंटेज है वैसे तो आपको और मिलना भी चाहिए महाराष्ट्र में आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेणुका जी, बहुत अच्छी परसेंटेज है, आपको मिल सकता है। रेशम कुमारी, सर कंप्यूटर कंपार्टमेंट से जो एग्ज़ाम दिया उसका कितना परसेंट होगा? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपार्टमेंट में दिया हो कैसे भी दिया हो, बट आपके परसेंटेज अच्छा होने चाहिए जेएनएम के लिए। करिश्मा, सर एमपी में नर्सिंग के फॉरम कब आएंगे? 3rd week of October पक्का। प्रियंका सैनी, सर राजस्थान में बीआरटी कोई भी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल? बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट उसमें फीस हाई होती है। रॉयल, सर महाराष्ट्र में जेएनएम महाराष्ट्र के ऊपर पक्का वीडियो बनाएंगे दूसरे चैनल पे, पक्का। एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल को फॉलो कर लेना, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। आर्या शर्मा, सर 12वीं में 82 है, क्या राजस्थान में मेरा एनएम में बिल्कुल अच्छी परसेंटेज है आपका सिलेक्शन? क्योंकि हमारे जो अभी रिसर्च किया था हमने 79 तक का भी हुआ है, 78 तक का भी हुआ है, तो आपका तो आराम से हो सकता है। नीलम पाल, सर एमपी में 12वीं के मार्किंग से होगा या बीएसएन? बिल्कुल नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा मध्य प्रदेश में। सर राजस्थान में नर्सिंग के फॉरम कब आएंगे? आने वाले 1st week के बाद आ जाएंगे, 1st week of October के बाद। भारती शर्मा, सर ये प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट? अभी वीडियो में तो दिखाया था हमने आपको, राहुल योगी। सर हार्स के स्टूडेंट जेएनएम गवर्नमेंट कॉलेज में फॉरम भर सकते हैं क्या? देखिए डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हो, आपने यहाँ पर राजस्थान से बोला है तो राजस्थान में तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो साइंस वालों को दी जाएगी, अगर साइंस वालों की सीटें खाली रहती है तो इस कंडीशन में हार्स वालों को लिया जाता है, ठीक है। तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेज बहुत ज़्यादा है, बट हार्स वालों के नाम मात्र चांस होते हैं, ठीक है। आस्था कुमावत, सर बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस 12वीं आरबीसी सही? बिल्कुल सही। अंजना, सर जी इनका कमेंट है HNBU दूसरे चैनल पर है गाइज, ठीक है। श्रीता, सर उड़ीसा में गवर्नमेंट हमने बता दिया, उड़ीसा का भी बता दिया और राजस्थान का बता दिया, एमपी का हमने बता दिया, यूपीएससी का बता दिया, यूपी का बता दिया। और कार्तिक, सर प्लीज़ LLRM, कार्तिक जी आपने जो कमेंट किया था उसका वीडियो हमने बना दिया है दूसरे चैनल पे है, एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल, जाके देखो 1st number का ऊपर से 1st number का वीडियो, ठीक है। और देखो जितना दूसरे चैनल पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। अंजलि या तो सर झारखंड में बी एस एन सिंह इसके ऊपर भी वीडियो है अंजलि जी दूसरे चैनल पर। सो आप सभी से यही कहना है कि टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। सो गाइज टेलीग्राम चैनल का नाम है DRMK Bro, ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे PDF सारी इन्फॉर्मेशन हर सेकंडों में आपको यहीं पर मिलती रहेगी, तो टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूले, ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।